नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। हम इसको काल अनुसार क्रम पढ़ेंगे। जो इस्लाम जो था वो भारत में पहले आया तो कैसे आया और कौन लेके आया, इससे शुरुआत करके हम आखिर तक जाएंगे उनका अंत तक। तो शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है संजय भौरियाल और आप देख रहे हैं यूपीएससी एनएसएससी तैयारी। तो मध्यकालीन भारत जिसकी शुरुआत बोलते हैं तो हम बोलते हैं 711 AD में। 711 AD में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान को अपने कब्जे में ले लिया। सिंध और मुल्तान जो थे मोहम्मद बिन कासिम, इसने कब्जे में ले लिया सिंध और मुल्तान को। सिंध और मुल्तान को जब इसने कब्जे में ले लिया 711 AD में, लेकिन उसकी आजीविका जो थी, उसका जो पेशा जो था, उसके अंत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसके मालिक ने उसको सजा सुना दी। अब जब वो मर गया तो दसवीं सदी में 10th century में सुगुप्तगीन ने गजनवी साम्राज्य की स्थापना की। तो सुगुप्तगीन आया है, उसने क्या की गजनवी साम्राज्य की, गजनवी साम्राज्य उसने बनाया। और किधर किधर फैला था ये गजनवी साम्राज्य आपका? तो ये फैला था ईरान में, तजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, ऐसी करके वो सदन किर्गिस्तान, सदन जो आपका कजाकिस्तान था, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, ये सब जगह फैला हुआ था। फिर क्या हुआ, 1002 AD में उसके बेटा आया, सुगुप्तगीन का बेटा आया जिसका नाम था महमूद गजनी। महमूद गजनी आया भारत में और उन दोनों ने लगातार क्या किया, सुगुप्तगीन और मोहम्मद गजनी ने क्या क्या लगातार हिंदू शाही राजाओं के ऊपर अटैक किए। और सबसे ज्यादा अटैक किसके ऊपर किए थे? तो जयपाला के ऊपर किए थे। जयपाला के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक किया और जयपाला को बहुत बुरी तरह हरा दिया। और इसको देखते हुए जयपाला से यह सहा नहीं गया, जयपाला से इस अत्याचार को सहा नहीं गया और उसने क्या किया, खुद को आग लगा दी। जयपाला के बेटा आया, फिर जयपाला का बेटा आया, जयपाला का बेटा आया, उसने क्या किया, 6 राजपूत शासकों के साथ मिलकर, 6 जो राजपूत शासक थे के साथ मिलकर हराने की कोशिश की इनको। अब वो 6 शासक कौन कौन थे? तो उज्जैन के थे, ग्वालियर, कलिंदर, कन्नौज, दिल्ली, अजमेर, ये 6 जगह थे। उज्जैन, ग्वालियर, कलिंदर, कन्नौज, दिल्ली, अजमेर। तो ये 6 शासकों के साथ मिलकर इसने गजनवी पे हर युद्ध किया। तो युद्ध तो किया परंतु हार गया। और फिर क्या हुआ, महमूद को क्या मिला, महमूद गजनवी को पंजाब और मुल्तान और सिंध भी मिल गया। तो कौन जीत गया, महमूद गजनवी। उसे क्या क्या मिल गया, फिर पंजाब मिल गया, सिंध मिल गया, मुल्तान मिल गया। तो ये सारे राज्य उसको मिल गए। फिर 1008 और 1026 में महमूद ने लगातार नगरकोट, थानेश्वर, कन्नौज, मेरठ, मथुरा, सोमनाथ, अजमेर, कलिंजर, ग्वालियर आदि जगहों पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह तबाह कर दिया, मंदिर के पत्थर, सोमनाथ मंदिर के जो तबाह करने के बाद पूछा जाता है कि उसके मंदिर के पत्थरों से उसने क्या किया था, तो गजनी ने जामा मस्जिद बनाया था, उसे जामा मस्जिद बनाया था सोमनाथ के पत्थरों से, ठीक है। उसके बाद उसने सोमनाथ पर आखिरी आक्रमण किया था। उसके बाद वो थार डेजर्ट चले गए। तो गजनवी जो था थार डेजर्ट चले गए। और उसका क्या कारण था थार डेजर्ट जाने का? वो राजा बहुत से डरता था, उसको डर था राजा बोझ का। लेकिन रास्ते में कौन मिला उसको? राजा बोझ तो नहीं मिला, लेकिन कौन मिला? आपके जाट्स मिले। आपके जाट्स तो रास्ते में मिले और उसने युद्ध भी किया, युद्ध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन आक्रमण के दौरान उसे मलेरिया हो गया। गजनवी को हो गया मलेरिया और वो मर गया। तो इसका अंत जो है कब बोला जाएगा? 1030 AD में उसकी मृत्यु हो गई। तो गजनवी की डेथ बोली जाती है 1030 AD में।
फिर उसके बाद क्या हुआ? भारत पर हमला करने का उद्देश्य पूछा जाता है कि भारत पर हमला करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत पर मुख्य उद्देश्य था हमला करने का, एक तो राजाओं को कंगाल करना था, क्योंकि मंदिर और जो सारी चीजें थी वो लूट गए थे वो, तो खजाना लूटना जो था उनका मुख्य उद्देश्य कहा जाता है, खजाना लूटना, मंदिरों को लूटना। ठीक है, वो राजपूतों से हार सकते थे, परंतु राजपूत वंशों में उसूलों के कारण जिनमें था कि निहत्ते वो रथ छोड़ व्यक्ति को जो रण छोड़ देते थे उन पर आक्रमण नहीं किया जा सकता, तो जो निहत्ते होते थे जो पीठ दिखाते थे उन पर वॉर नहीं किया जाता था, उन पर वार नहीं किया जाता, तो इसलिए राजपूतों की सबसे बड़ी परेशानी थी। इस बात का फायदा उठाकर ही तो खुलिस्तानी सल्तनत तबाह हो गई थी। और फिर आते हैं मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी जो आया था 12वीं सदी में आया था, 1175 सेंचुरी में आया था। उसने अपनी पहली लड़ाई जो की थी ना, वो मुसलमानों को मुस्लिम शासकों को हराया था, सुल्तान बनने के सबसे पहले उसने मुस्लिम शासकों को हराया था। 1178 में महमूद गोरी गुजरात की लड़ाई में हार गया, और हारा किससे? तो गुजरात की लड़ाई जो हुई थी उसको बोलते बैटल ऑफ बयाद्रा। तो हारा किससे? तो बुरी तरह हारा रानी नाइकी देवी से। तो रानी नाइकी देवी से हार गया, और ये और किससे हारा था? तो बैटल ऑफ तराइन हुआ था। बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था पूछे जाते हैं? तो 1191 में हुआ था, और बैटल ऑफ तराइन में किससे हारा था? तो पृथ्वीराज चौहान से हारा था। फिर बैटल ऑफ तराइन एक और बार होता है, इस समय पृथ्वीराज को हरा देता है। पृथ्वीराज को हराने के बाद वो क्या कहता है? पृथ्वीराज को मृत्यु दंड दे देता है, पहले बंदी बनाता है फिर मृत्यु दंड दे देता है उसको। तो ऐसे पृथ्वीराज जी का अंत हो जाता है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, मोहम्मद गौरी का मंत्री होता है, मंत्री होता है मोहम्मद गौरी का, और नौकर भी होता है। तो उसने अयोध्या वालों को बहुत प्रताड़ित किया होता है। अपनी मृत्यु से पहले गौरी ने कुतुबुद्दीन को अपनी सल्तनत का नायब सुल्तान बना दिया होता है, नायब सुल्तान। तो नायब सुल्तान बनाता है और ऐबक की उपाधि देता है। तो ऐबक जो है उपाधि किसने दी है? तो उपाधि किसने दी है पूछा जाता है, तो मोहम्मद गौरी ने दी है। फिर 1206 में क्या होता है? पंजाब के जो खाखर्स होते हैं, खाखर्स वो क्या करते हैं? मोहम्मद गौरी को मार डालते हैं, और उसका कोई भी पुत्र नहीं होता, मोहम्मद गौरी का कोई आगे वंशज नहीं होता। तो क्या होता है, जो तुर्की जो गुलाम होते हैं उसके, वो अपने सल्तनत को आपस में बांट लेते हैं, तो तुर्की के हाथ में चल जाता है, तुर्की गुलाम के हाथ में। फिर भारत में कुतुबुद्दीन जो था सबसे पहला शासक था, 34 जो आपके शासक हुए 1206 से 1526 दिल्ली सल्तनत में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो पहला शासक था आपके दिल्ली सल्तनत का, तो 34 जो आपके राजा हुए उसमें से पहला था। तो 34 तो आपके टोटल नंबर ऑफ किंग्स हुए दिल्ली सल्तनत में। ये किस में बांटा गया था? पांच राजवंशों में बांटा गया था। तो अब पांच राजवंश कौन कौन से थे? पहला था मामलुक, जिसको बोलते थे स्लेव या फिर गुलाम वंश। ठीक है, पहला था गुलाम वंश। ये कब से कब हुआ था? तो 1206 से चला था ये 1290 तक। ऑरिजिन कौन थे इसके? लोग कौन होते थे यूजली? तो तुर्की के लोग होते थे, तुर्की ऑरिजिन था। फिर दूसरा आता है खिलजी डायनेस्टी, ये हुआ था 1290 से 1320। इसमें कौन थे? इसमें भी तुर्कीस थे। फिर तीसरा होता तुगलक, तुगलक डायनेस्टी,
ये हुए थे 1320 से 1413, ये कौन थे? तुर्की ओरिजिन। फिर चौथा सैयद, सैयद कब से कब थे? 1414 से 1551 तक, ये कौन थे? अरेबियन ओरिजिन बोला जाता है इनको, अरेबियन ओरिजिन। इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं चला, डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड मतलब कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, एक पक्का नहीं है कि कहाँ से आए थे। पांचवा लोधी, लोधी 1451 से 1526, और यहाँ पे हो जाता है दिल्ली सल्तनत समाप्त, क्योंकि इब्राहिम लोधी को कौन मारता? बाबर। ये कौन थे? अफगान। तो ये अफगान ओरिजिन थे और इनका खात्मा कर देता है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे मामलुक डायनेस्टी और बाकी चार पढ़ेंगे हम बाद में। तो पहला पढ़ते हैं, गुलामंश। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? देखो अभी हमने क्या छोड़ा था, अभी हमने छोड़ा था कि मोहम्मद गोरी का मंत्री होता है कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब मोहम्मद गोरी मर जाता है खाखोज के खिलाफ, जो पंजाब के खाखोज होते हैं वो मार देते हैं, तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी शुरुआत करता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी शुरुआत करता है 1206 से, लेकिन 1211 में खुद मर जाता है। अब 1211 में खुद मर जाता है तो पहला राजा होता है जो कि मामलुक वंश का होता है, पहला राजा, ठीक है? वो 4 साल शासन करता है, पूरे 4 साल, ठीक है? 1206 से 1211 के बीच में 4 साल आते हैं उसके, तो 4 साल राज करता है। 1210 में क्या होता है? 10 में चौगान खेड़ा होता है, 1210 में चौगान खेड़ा होता है, जो घोड़े में खेलते हैं, और घोड़े से वो गिर जाता है, गिर जाता है और मृत्यु हो जाती है। तो घोड़े से गिरकर चौगान खेलते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। और कुछ चीजें हैं जो बोली जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ये पेपरों में बहुत बार पूछा जाता है, जैसे कि लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उदार था, बहुत बहुत ही दिलेर दिल वाला व्यक्ति था, बहुत लोगों को दान देता था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। उसने क्या किया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाया था, कुव्वत उल इस्लाम, ये भी पूछा जाता है, मस्जिद। अब कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसके नाम पे बनाया था उसने? तो एक संत थे, क्या नाम था उनका? कुतुब उद्दीन बख्तियार काकी। तो कुतुब उद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार की बुनियाद स्थापित की उसने, तो कुव्वत इस्लाम मस्जिद बनाया था। और सूफी जो संत थे, सूफी संत कुतुब उद्दीन बख्तियार काकी, इनके नाम पर क्या बनाया था? कुतुब मीनार बनाया था। तो कुतुब मीनार की बुनियाद स्थापित की थी इन्होंने। फिर मामलुक वंश का दूसरा शासक, ये तो पहला शासक था ए, और बीच वाला शासक कौन बना? बी वाला शासक बना आपका इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश आपका बना दूसरा शासक। तो दूसरा शासक बना जो कि 1211 से 1236 तक इसने राज किया, कौन था इसका? तो दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन कैसे मरा था? चौगान खेलते हुए मरा था। तो उसने भारतीय संचालन में प्रयोग किया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाए उस पर उसने प्रयोग किए, टेस्ट किए। तो उसके राज्य में सबसे मजबूत जो योद्धा थे उनको, वो कौन थे? वो थे चालीसा। चालीसा जो लोग होते थे वो बहुत ताकतवर होते थे, उनको छलकानी भी बोलते थे। ये सबसे ताकतवर लोग थे उस टाइम के। फिर इल्तुतमिश के टाइम पर मंगोल्स ने बहुत हमला किया। मंगोल्स का हमला करने का मेन नजर थी दो, वो थी अरेबियन सी जो होती है उस जगह की, पश्चिम जो होता था, वेस्ट में जाना। वेस्ट में कहाँ थी? तो पंजाब, सिंध, मुल्तान, ये सब जगह थी उनकी जो वहां पे वो राज करना चाहते थे। तो दिल्ली में इल्तुतमिश ने हौज शमसी बनाया, हौज शमसी। हौज शमसी क्या था? हिंदुस्तान का पहला इस्लामिक मुस्लिम सुल्तान गरी था, सुल्तान गरी था ये। तो सुल्तान गरी का था, ये समाधि था, मुसलम मतलब होता है समाधि, इस्लामिक मुसलम सुल्तान ये बनाया था इसने। और उसमें किसको दफनाया था? तो अपने बेटे नायर उद्दीन महमूद को दफनाया था। समाधि में किसको दफनाया था? तो नायर महमूद को दफनाया। फिर उसने कुतुब मीनार का भी काम पूरा करवाया, जो कुतुब मीनार था।
पूछा जाता है कुतुब मीनार किसके काल में समाप्त हुआ, तो पूरा करवाने वाला इल्तुतमिश था, पूरा करवाया काम। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का पूरा काम कराया। उसने एकता सिस्टम की घोषणा की। अब एकता सिस्टम क्या होता है? एकता सिस्टम होता है वार्षिक आय पर लगान लगाना। तो लगान लगाया, लगान लगाना, तो वार्षिक आय पर लगान लगाया उसने। उसने दो सिक्के भी बनवाए। सिक्के कौन से थे? सिल्वर टंका बोलते थे को, और दूसरा था कॉपर जिटार। तो सिल्वर का जो वजन होता था वो होता था 175 ग्राम। बाद में क्या हुआ, बलबन ने उसी वजन के सोने के सिक्के निकलवाए। तो 175 ग्राम के सोने के सिक्के बनाए बलबन ने। ठीक है, हमलावरों ने क्या किया, संस्कृत चरित्र के सिक्के बनवाए। संस्कृत चरित्र के मोहम्मद गोरी ने बैठी हुई लक्ष्मी चित्र के सिक्के बनवाए। इल्तुतमिश ने अरेबिक सिक्कों के भारत में आने वाले पहले व्यक्ति थे, तो अरेबिक सिक्कों को बनाया जो भारत में आने वाले पहले व्यक्ति थे। और इल्तुतमिश पहला सुल्तान बना जिसे दिल्ली का सुल्तान घोषित किया गया। दिल्ली का सुल्तान, अब दिल्ली का सुल्तान घोषित किया गया, ये मतलब ये कैसे हुआ? तो ये हुआ कि जो कैलिफ ऑफ बगदाद होता था, जो इनका सबसे बड़े लोग होते थे, उनको कैलिफ कहा जाता था, खलीफा। तो इन्होंने इसको दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था, ये ऑफिशियली बन गया था। अब मतलब जितने भी इनकी समुदाय था, इनके कम्युनिटी था, उसमें उनको सबको पता था कि दिल्ली का सुल्तान जो है इल्तुतमिश, और ये पहला सुल्तान घोषित किया गया दिल्ली का, भारत का। अब तीसरी सुल्तान के बारे में बात करते हैं, तो वो थी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान का बहुत ज्यादा इतिहास नहीं है। उस टाइम पे चलगानी, जो मैंने आपको बताया था, चलगानी बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग हुआ करते थे, और चालीसा भी बोलते थे उनको। तो चलगानी लोगों ने रजिया सुल्तान को मार डाला, और रजिया ने सिर्फ 3.5 साल जो थे राज कर पाए। लेकिन पहली महिला शासक कौन है हिंदुस्तान की? तो रजिया सुल्तान को बोला जाता है, ये पता आप याद रखिएगा। फिर चौथा शासक बना बलबन। तो बलबन चौथा शासक बना जिसने राज किया 1266 से 1287 तक, जिसने इल्तुतमिश के कमजोर उत्तराधिकारी का फायदा उठाकर चलगानी का प्रथम कुल का व्यक्ति बन गया। तो क्या था, इल्तुतमिश का जो कमजोर उत्तराधिकारी थे वो कुछ नहीं कर पाए, तो फिर इसने क्या किया, फायदा उठाया, और चलगानी का जो प्रथम कुल का व्यक्ति था, चलगानी बहुत पावरफुल लोग हुआ करते थे, उन्होंने रजिया सुल्तान को मारा था, है ना, और रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी थी, तो ये लोग कमजोर निकले, तो इसका फायदा उठाकर बलबन आया। अब बलबन जो था, चलगानी ने रजिया सुल्तान को मारा था, तो बलबन भी जो था वो चलगानी था। तो चलगानी का प्रथम कुल का व्यक्ति अगर बोला जाए तो कौन था, तो वो बलबन था। एक बार वो सुल्तान भी बना, और बिना दया दिखाए उसने क्या किया, इल्तुतमिश के सभी उत्तराधिकारी और चलगानी राज्य पूर्णता हटा दिया। तो क्या किया उसने, इल्तुतमिश के उसने इल्तुतमिश के सारे उत्तराधिकारी को मार दिया। फिर उसने दोआब और मेवाती, दोआब और मेवाती दो रीजन हुआ करते थे, उसने क्या किया, दोआब और मेवाती इनको हरा दिया, इनको खत्म कर दिया। उसने 21 साल तक राज किया, वो भी 13वीं सदी की जरूरत के अनुसार 21 साल राज किया उसने। उसने जमीन बोसी शुरू की, जमीन बोसी एक प्रथा थी, जमीन बोसी। जमीन बोसी क्या शुरू की, जिसका मतलब होता था सुल्तान के पैर को चूमना। तो सुल्तान के पैर चूमे जाते थे मुझसे बात करने से पहले, उसके बात करने के बाद पैर चूमना। बलबन का उत्तराधिकारी बना उसका परपोता कैकुबाद। तो उसके बाद कौन आया ई नंबर पे, कैकुबाद आया, कैकुबाद। और वो 17 साल का था जब क्या हुआ, अपना चरित्र जो था उसका बिगाड़ गया था उसने, 17 साल का था, और बहुत ही अय्याश था, चरित्रहीन था,
फिर क्या हुआ कि उसे जबलुद्दीन फिरूज खिलजी, मलिक फिरूज भी कहा जाता है उसे, उसने मार दिया। इस तरह क्या हुआ, गुलाम वंश का अंत हो गया और खिलजी वंश की शुरुआत हुई। तो जो खिलजी वंश की शुरुआत हुई किसने मारा, तो इसको मारा था जलालुद्दीन। जिसका नाम है मलिक फिरोज और जिसका नाम है जबल उद दीन फिरोज खिलजी। तो इसने क्या किया, ऐबूबाद को मार दिया, क्योंकि वो बहुत ही अय्याश किस्म का आदमी था, तो उसकी सेना में इतनी इज्जत नहीं थी, तो इसका फायदा उठाकर खिलजी वंश की शुरुआत हुई। तो गाइज ये था आज का आपको इंट्रोडक्टरी सेशन, जो आपकी शुरुआत थी आपके दिल्ली सल्तनत की। आगे बात करेंगे हम खिलजी डायनेस्टी से और लास्ट तक जाएंगे जो कि आपकी इब्राहिम लोदी तक। तो गाइज अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट्स लाता रहूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।